चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने माँ बाप और इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, मार्क माई वर्ड्स। और ऊपर से वो मीठी छुरी जो आकर बैठ गई है। वैसे मामा, आपने ना आज बहुत अच्छा काम किया जो सारी बात डायरेक्टली उनके मुंह पर बोल दी। असद ने क्या कहा ये बताओ। कुछ भी नहीं, क्या कहना है उसने? अरे उससे पूछना तो चाहिए ना, पता तो चले उसके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप, असद को अच्छी तरह से एहसास है कि सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा ज्यादती उसी के साथ हुई है। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो, तुम्हारी मरहूमा सास और तुम्हारे ससुर ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने माँ बाप और इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, मार्क माई वर्ड्स। और ऊपर से वो मीठी छुरी जो आकर बैठ गई है। कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? नरगिस आंटी की? नरगिस आंटी से दो हाथ आगे हैं हुस्ना आपा, तुम्हारे ससुर के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। देखा नहीं सुबह कैसे वकालत करने आ गई भाभी के लिए, आई थी कुछ दिन पुरसे के लिए, जमकर ही बैठ गई, जाने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से अपने बेटे को भी लेकर आ गई। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द उनको रफा दफा करो। कह तो आप सही रही हैं, उनको आए हुए इतना वक्त हो गया है, पता नहीं कब वापस आएंगी। अलीजे तुम प्लीज असद को अब बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ोगी, मैं नहीं चाहती कि वो बड़े मियाँ तुम्हारे ससुर दोबारा उसका ब्रेन वॉश कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस तरह की बातें सोचकर परेशान मत हुआ करें, और मैं असद के साथ ही तो होती हूँ ज्यादातर वक्त, और क्या करूँ, दिल घबराने लग जाता है मेरा। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।